किसान भाइयों, आज की वीडियो में सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का चयन करना चाहिए तथा इसका खर्च कितना आएगा, दवा को यूज करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, इसका डोज कितना लेना है, इसकी प्राइस क्या है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो हम जिस भी दवा का चयन करेंगे वह बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होने वाली है, हम किसी हल्के दाम के ही दवा का उपयोग करेंगे, क्योंकि जब सोयाबीन की फसल शुरुआती फेस में होता है, अर्थात जब पौधा लगभग 20-25 दिन का होता है, तो उसमें ना तो बहुत ज़्यादा कीट का प्रकोप देखने को मिलेगा और ना ही ज़्यादा फंगस का अटैक होगा। तो हमें उसके हिसाब से ही दवा का चयन करना है, क्योंकि अगर एक बार रोग बहुत ज़्यादा लग जाता है तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है या फिर आपकी फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए हमें शुरू से ही फसल को देखते रहना है और समय समय पर दवाइयों का चयन करके उसका स्प्रे भी करते रहना है, जिससे कि हम उसमें ज़्यादा फंगस का अटैक या फिर उसमें कीट का प्रकोप आने से पहले ही हमें दवा को डाल करके उसे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जब 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें किसान भाइयों को हरी इल्ली या फिर हल्के कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए सोलोमन इंसेक्टिसाइड को लेना है, जिसमें कि इमिडाक्लोरोपिन और बीटा साइलोथ्रिन, ये दो कॉम्बिनेशन एक साथ आते हैं जो कि सेमिलूपर, सकिंग पेस्ट और हरी इल्ली को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसको लेना है आपको 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में, और साथ में आपको UPL कंपनी के द्वारा बनाए गए साफ फंगिसाइड को लेना है, इसे आपको उपयोग करना है 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। यह फसल में अगर पीलापन हल्का फुल्का आ रहा है या फिर किसी प्रकार का फंगस का अटैक हो रहा है तो उसे यह कंट्रोल करने का काम करेगा। और साथ में आपको एक PGR टॉनिक लेना है, जिसके लिए आप सिजेंटा कंपनी के द्वारा बनाए गए क्वांटिस को ले सकते हैं, इसे आपको लेना है 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में, या फिर आप दूसरी किसी कंपनी का भी PGR टॉनिक ले सकते हैं। तो अगर आप PGR टॉनिक लेंगे तो यह पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा, अर्थात पौधा जब 20-25 दिन का होता है तो उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता होती है, या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो कि पौधे को वृद्धि करने का काम करता है, क्योंकि पौधा छोटा है तो वह उसकी बढ़वार करने के लिए तथा उसे किसी प्रकार का उसमें फंगस का अटैक ना हो, पीलापन ना आए, इसके लिए आपको PGR टॉनिक का भी साथ में उपयोग करना है। तो आप इन तीनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन को एक साथ मिक्स करके आपको सोलोमन इंसेक्टिसाइड को 12 ml, साफ फंगिसाइड को 40 से 50 ग्राम तथा सिजेंटा के क्वांटिस को 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। तो आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे इन तीनों दवाइयों का करना है।